हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये आमतौर पर जो गृहिणियाँ होती हैं, जो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, या फिर वो बच्चे जो आजकल खाने में बहुत ही नखरे करते हैं, तो जिनकी वजह से उनके बॉडी में किसी न किसी तरह की कमी हो जाती है। तो यहाँ मैं जो बना रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है खसखस पॉपी सीड, और मैंने लिया है मखाना, ये लिया है मैंने एक चम्मच घी, और ये है मिश्री। अगर मीठा पसंद है तो चीनी की जगह मैं मिश्री मिलाने वाली हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये धागे वाली मिश्री होती है, और ये बहुत बढ़िया होता है। इसकी पहचान आप जा कर के अगर दुकान में बोलेंगे कि मुझे मिश्री चाहिए धागे वाली, तो वो देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये धागा लगा हुआ है, वो पकड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से है ये। तो ये कुछ टुकड़े इसके जो थे, वही मैंने छोटे से कटोरी में रखा है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं धागा लगा हुआ है। तो इसमें मखाना और खसखस, दूध, ये सब मिला करके बनाने वाली हूँ। ये जो मिश्री है, अगर आप बिना इसके पी सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी की जगह आप ये मिश्री बनाएं। तो ये सब मिला करके मैं बनाने वाली हूँ, और इसे आप गारंटी के साथ कह सकती हूँ, 8 दिन पिएंगे तो आपके सारे शरीर की कमजोरी जो है वो बिल्कुल चली जाएगी। हाँ, मैंने 1 केजी दूध लिया है, और ये ऑलरेडी गर्म है। अब यहाँ पे जो मिश्री है, उसे मैं खलबट्टे में डाल करके बिल्कुल ही इसका पाउडर कर दूँगी। तो अक्सर सर्दियों में जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जिसे आप गठिया बोलते हैं, उनके बहुत तकलीफ़ होती है, उनको उनके पैर एक बार वो मोड़ के भी अगर बैठ जाते हैं तो सीधे करने में तकलीफ़ होती है, या हड्डियों का दूसरे तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, बदन में दर्द होता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन में, उस घी को डाला, घी गर्म हो गया, तो इसमें मैंने खसखस डाला, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने, क्योंकि ये इसको ध्यान रखना है, जलाना नहीं है इसके, इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है बस, और इसके लिए लो फ्लेम ही रखना ज़रूरी है। तो ये जो खसखस है, खसखस को गर्म दूध में मिलाकर पीने से नींद बहुत अच्छी आती है, और खसखस में पाया जाने वाला ओपियम एल्कोलॉइड शरीर के सभी तरह के दर्द को दूर करने में मदद करता है, ख़ास करके इसे खाने से मसल्स पेन दूर होता है। और ये जब हल्का सा, मतलब इस तरह से आप भूनते रहेंगे, आपको एक इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल भी आने लगेगी भुने हुए की, तो यही चीज़ है, करना है आपको इस। वैसे तो इसे कई लोग सब्जी में भी डाल करके खाते हैं, यानी कि ग्रेवी बनाते हैं, किसी भी तरह से अगर आप इसे खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ मैंने तीनों ही चीज़ मिलाई हैं एक साथ, और इसे आपको 8 दिन पी करके इसे आजमाना है। तो जब ये भुन गया तो इसमें मैंने दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद इसे एक उबाल आने तक मैंने इसे फिर से, यानी पहले से उबला हुआ दूध को एक बार और उबाल आने दिया इसमें, ये गुनगुना गर्म रह गया था, उसके बाद फिर से मैंने इसे उबाला है। तो जब एक उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें मखाना डालूँगी, और मखाना डाल करके भी इसे बहुत देर तक मुझे, मतलब कुछ थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करना है, यानी थोड़ी देर तक बॉईल करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख ही सकते हैं कि ये उबाल आ गया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मखाना। तो मखाना जो है, मखाने में भी जो है हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याओं से निजात मिलता है, और इसमें बहुत तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, और भी बहुत कुछ, और कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ख़ास करके अगर कहा जाए मखाना के बारे में ना, तो इसमें से 5 तो उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, ज़्यादा करूँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तनाव कम करता है, जोड़ों का दर्द दूर करता है, पाचन में सुधार करता है, और किडनी को मजबूत करता है। इसके अलावा और भी अनगिनत बहुत से फ़ायदे हैं इसके, और ये तीनों चीज़ों को मैंने मिला दिया है, यानी दूध, आप मखाना और खसखस।
ये तीनों में ज़बरदस्त है, और तीनों खास करके कैल्शियम, जो हमारे शरीर की बहुत बड़ी ज़रूरत है और जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, लापरवाही में कह सकते हैं आप, या फिर आप जैसे भी है, कुछ कई लोगों को, औरतों को खास करके 30 साल के बाद कमी होने लगती है इन चीज़ों की, कैल्शियम की, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैंने बहुत देर तक उबाला, जब तक कि थोड़ा सा दूध सूख ना जाए तब तक, मतलब इसे पूरा गाढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस आप कह सकते हैं कि 1 किलो में मैंने लगभग 1.5 कप मैंने दूध इसका थोड़ा कम कर दिया होगा, उस तरह से मैंने इसको गाढ़ा किया है। और ख़ास करके इसको आप जब भी पिए, फ़ायदा तो करता ही है, लेकिन अगर आप इसे रात में पिएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें मैंने खसखस मिलाया है। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उबाल इसमें आ रहा है, और इसमें अभी तक मैंने मिश्री नहीं मिलाई है, इसे मिश्री मैं तब मिलाऊंगी जब ये पूरी तरह से उबाल, इसका मैं मतलब फ्लेम बंद कर दूंगी उसके बाद। और जिनको बहुत वीकनेस होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार आप देखते होंगे कि अगर आप जैसे ही खड़े होते हैं और आपको चक्कर आ जाता है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप इसे पी करके देखें, 3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन 8 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा और आप इसे ज़रूर पीना पसंद करेंगे। तो या तो बुज़ुर्ग हों, या ख़ास करके औरतें जो 30 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं अपने खाने पीने को लेकर के, वो ज़रूर लें, और छोटे बच्चे को भी ज़रूर दें। अब जब ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया तो इसमें मैंने मिश्री मिला दी है, जितना मीठा पसंद है उतना, और अगर किसी को मीठा नहीं पसंद है तो आप बग़ैर मिश्री के भी पी सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको मन हो तो आप यहाँ पे गुड़ भी मिला सकते हैं, यानी कि मिश्री की जगह गुड़ भी मिला सकते हैं, गुड़ में भी भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो बस ये मैंने तैयार किया है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, तो बस आपको दिखाया, और आप इसी तरह से बनाइए। मैंने गारंटी के साथ आपको कहा है कि आप 8 दिन में आप जो अभी महसूस कर रहे होंगे उससे बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे, सारी कमज़ोरी जो आपके शरीर की है, जो आपके बॉडी में पेन है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बनाइए रेसिपी को और कमेंट करके मुझे बताइए फ़ायदा होने के बाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।